आई है कि वो कितने बड़े होते हैं, लेकिन उनके साइज के हिसाब से वो बने होते हैं होम यूज के लिए। तो अब आप देखिए पोर्टेबल छोटे साइज वाले एक कार फ्रीजर को, जिसमें आपको 4 लीटर तक की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, यानी कि आप इसमें छोटी छोटी 6 कैनों को आसानी से रख सकते हैं, और इसमें आप खाने की चीजों को भी बड़े आसानी से रख सकते हैं। और इसे पावर ऑन करने के लिए आपको इसके पिछले हिस्से पर एक ऑन ऑफ स्विच दिया जाता है, जिसे स्विच करके आप इस फ्रिज को पावर ऑन कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 टेम्परेचर मोड्स भी मिलते हैं, यानी कि अगर आपको खाने की चीज को गर्म करना है तो आपको इसे हॉट पर स्विच कर देना है, और अगर आपको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए हो तो आपको इसे कोल्ड पर स्विच कर देना होगा, जिसके बाद आपकी मनपसंद ड्रिंक्स कोल्ड हो जाएगी। और इसकी पावर सोर्स की बात करें तो इसे आप 2 तरीके से पावर सोर्स दे सकते हैं। एक है DC 12 वोल्ट, जिसे आप अपने कार में लगाकर इसे ऑन कर सकते हैं, और दूसरा AC 110 वोल्ट, जिसे आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये फ्रिज पसंद आ चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। एटमोव। तो अगर आपके घर के सामने खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं और आप सुबह उठकर नए नए नज़ारे देखना पसंद करते हैं, तो आप इस स्मार्ट विंडो को अपने घर पर लगा सकते हैं, जो अपने साथ एक बेहतरीन डिस्प्ले रखता है, वो भी 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी में, जिसमें आप काफ़ी सारे खूबसूरत नज़ारे को शो कर सकते हैं। और इसे कंट्रोल करने के लिए इसे आपको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आप इस मल्टीपल विंडोज़ में 1000 से भी ज़्यादा 4K इमेजेस को और वीडियोज़ को शो कर सकते हैं। और साथ ही इसमें आपको वाइब्रेट यानी कि बेस फुल स्पीकर्स भी दिए जाते हैं, और इसकी कनेक्टिविटी की रेंज भी काफ़ी दूर तक होती है, जिसे आप अपने घर पर ना होने के बावजूद भी कंट्रोल कर सकेंगे। और इसका खास फीचर यह है कि इस विंडो में एक हिडन CCTV कैमरा भी इनबिल्ट होता है, जो लाइव वीडियो आपको अपने मोबाइल में सेंड कर देता है, जिसे कि आप अपने मोबाइल से कहीं से भी अपने घर पर निगरानी कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूले, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के नए विजिटर हैं तो चैनल को करके सब्सक्राइब, बाजू में आने वाले बेल आइकॉन को भी ऑल पर रखिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।